गुड मॉर्निंग। आप लोग जानते हैं कि अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, स्टेट सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है, उसमें खास करके करंट अफेयर का जो वेटेज होता है वो 30 से लेकर 45% तक होता है। और करंट अफेयर पूछने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, अब वो रिकॉर्ड पे नहीं जाता है, वो डाटा पे नहीं जाता, वो फैक्ट्स पे जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि उसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण यह है कि जैसे ही देश में ई गवर्नेंस बढ़ेगा, तो ई गवर्नेंस बढ़ेगा तो शासन में क्या होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। और भ्रष्टाचार कम होगा तो वह राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वह जितनी भी योजनाएं लाएंगी उनका मुख्य उद्देश्य होगा जनता तक पहुंचना। आपको याद होगा कि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं और जनता के पास 1 रुपया पहुंचता है, अर्थात 20 का जो 99 रुपये है, यह 99 रुपया बीच के जो बिचौलिए होते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, लाल रेट टेपिज्म, लाल फीताशाही जो है ब्यूरोक्रेसी का, वो क्लर्क से लेकर के ऊपर के अधिकारी तक सब उसको खा जाते थे। और जनता का जो प्रधानमंत्री का जो मुख्य उद्देश्य था कि जनता तक हम 100 रुपया पहुंचाए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता था। बाद में आप देखे होंगे कि जब सरकार बदली 2014 में जब सरकार बदली, तो सरकार के बदलने के बाद इन्होंने एक अच्छा योजना चालू किया, डीबीटी योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर हमको किसानों को कुछ देना है तो डायरेक्ट हम उनके अकाउंट में देंगे, अगर छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड देना है तो हम उनके अकाउंट में डालेंगे। बीच में जो बिचौलिया है वो बिचौलिया समाप्त हो जाएगा। तो अब सरकार का, हर सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही सरकारों में यह मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि जब आपको करंट अफेयर के सेक्शन से जब क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर के सेक्शन से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है कि ये कब स्टार्ट हुआ, कितना तारीख को स्टार्ट हुआ, सरकार को उससे मतलब नहीं है। उसका मूल उद्देश्य होता है कि जो हम जो योजना ला रहे हैं वो जो जिस तबके के लिए हम ला रहे हैं, अर्थात जो लाभान्वित वर्ग है, लाभान्वित वर्ग, अगर किसान क्रेडिट कार्ड अगर यूज होगा तो उसके लिए लाभान्वित वर्ग किसान होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड अगर सरकार अगर स्टार्ट करेगी तो उसमें उनका मुख्य उद्देश्य होगा कि हम स्टूडेंट तक जो सरकार को पैसा देना, जितना भी उनको बेनिफिट देना है, स्कॉलरशिप के माध्यम से, फेलोशिप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, तो वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अब सरकार का कंडीशन ये है कि डाटा पे नहीं, वो उसके मुख्य उद्देश्य पे कार्य करता है। आपके लिए प्लूटस आईएएस पर हम आपका इसलिए स्वागत करते हैं कि मैं प्लूटस आईएएस पे आपको करंट अफेयर के सेक्शन के तहत ये बताऊंगा कि यह योजना चर्चा में क्यों रही है, और उसके बाद वह उसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। अगर उस अगर कोई भी योजना स्टार्ट होती है तो उसका भविष्य में क्या इम्प्लीमेंटेशन में, अर्थात उसके कार्यान्वयन में किस किस तरह की समस्याएं क्रिएट होंगी और कौन कौन से कदम उठाने होंगे, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि हम आपको जो भी, चूंकि सितंबर में इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा समाप्त हो जाएगी, शायद शुरू भी हो गई होगी और 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद अभी आपको जो हम फोकस करेंगे अभी से लेकर के फरवरी तक, हम यह फोकस करेंगे कि आपको करंट अफेयर के माध्यम से जो जीएस के चारों पेपर हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, जो यूपीएससी में जीएस के सामान्य अध्ययन के जो चारों पेपर है, उस चारों पेपर के सेक्शन से हम क्वेश्चन उठाते हैं और उनके लिए, और उसको हम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा, चाहे आप राज्य स्तर की सिविल सर्विसेज की परीक्षा को तैयार करें या फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी करें, उसमें छात्रों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि हम पीआईबी से नोट्स अगर उठा रहे हैं तो हम उसको कैसे यूपीएससी के लिए कैसे उपयोगी होगा, उसमें हम परिवर्तित कैसे कर पाए, या हम द हिंदू पढ़ रहे हैं, या द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या बिजनेस एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी अखबार हैं
अथवा सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां से जब हम किसी योजना के बारे में या पीआईबी से अगर हम किसी योजना के बारे में अगर हमको पूरा डिटेल जानकारी लेनी होती है, तो प्लूटस आईएएस की इस मंच पर आपको अब पीआईबी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी अखबार आप पढ़ते हैं उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से हम लोग सारा डाटा लेते हैं और उसको यूपीएससी में किस तरह पूछा जा सकता है, इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए हम प्रश्न ड्राफ्ट करते हैं। पहले तो हम आपको बताएंगे कि चर्चा में क्यों है, चर्चा में होने के बाद उसका उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और पृष्ठभूमि में फिर उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बाद आगे की राह क्या हो सकती है, ये बताएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो आज के कक्षा के लिए है कि प्लूटस आईएएस का के इस मंच पर हम आपको प्री कम्स मेन यानी कि एमजीपी मेंस और प्रीलिम्स गाइडेड प्रोग्राम जो है उसके तहत हम आपका क्लास लेंगे, और उसमें आपको अभी से ही आपका तैयारी होते जाएगा पूरा चीज। जैसे अगर मान लीजिए वित्त आयोग के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वित्त आयोग के बारे में अगर पढ़ाऊंगा या जीएसटी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जीएसटी आपको लगता होगा कि अच्छे अभी तो एक बैठक हुई है जीएसटी, लेकिन आपको जानना होगा कि जीएसटी स्टार्ट कब हुआ। अब जीएसटी को अगर हम डिफाइन करें तो वित्त आयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके मतलब जीएस में पढ़ना पड़ता है आपको। तो इस माध्यम से इसीलिए हमने ये किया है कि प्लूटस आईएएस का ये उद्देश्य है कि अभी जो बच्चे 24-25 में जो एग्जाम देने जा रहे हैं यूपीएससी का या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा का, तो उस कंडीशन में उनको मैं जितना अगर आपको ये करंट अफेयर पढ़ा दूंगा, मैं दावा कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब जीएसटी परिषद, ये जीएसटी परिषद मैंने इसका नाम दिया है सहकारी संघवाद की धुरी। सहकारी संघवाद की धुरी क्यों होती है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध होता है। भारत में जब केंद्र राज्य संबंध होगा तो ऐसा नहीं है केंद्र अपनी मनमानी करेगी या फिर राज्य अपना मनमानी करेगा। आपको मालूम होगा कि जीएसटी की जब शुरुआत हुई थी तो सरकार ने यह कहा था कि हम एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसमें हम जनता से एक बार ही टैक्स लेंगे, और टैक्स लेने के बाद हम उसको राज्य में राज्य का जो हिस्सा है राज्य को दे देंगे और केंद्र का जो हिस्सा है केंद्र को मिल जाएगा, अर्थात जनता को बार बार टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा सहकारी संघवाद। संघवाद जो है इंडियन फेडरलिज्म की जो बात हम करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत जो है वो राज्यों का माने राज्यों का संघ है, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का मतलब ये नहीं है कि बिहार एक अलग है या यूपी एक अलग है, यह राज्य है और राज्यों के संघ से मिला करके हमारा देश बनता है। इसीलिए मैंने कहा सहकारी संघवाद। हमारा जो सहकारी तो ये आपके यह लेख जो है ये यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 3 के अंतर्गत कहां से आएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। अब आप पूछेंगे 54वीं बैठक है सर, तो इसका मतलब इससे पहले भी बैठक हुआ होगा, इससे पहले भी तो कोई बैठक हुई होगी। तो हाँ, इससे पहले भी बैठक हुई, 53 बैठक, उससे पहले 52वीं बैठक, 2024 में 94वीं बैठक हुई है, इसीलिए हमने 94वीं बैठक के बारे में यहाँ इंडिकेट किया है। तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक खंड से है, और प्रारंभिक परीक्षा में जो बच्चे प्रारंभिक परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं अभी, तो प्रारंभिक परीक्षा में उनको क्या जानना है, तो जानना है केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय क्या है। आपको यह जानना होगा कि प्री में आपको केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय क्या होगा उसको समझेंगे आप, फिर जीएसटी को समझेंगे आप, फिर भारतीय संविधान की धारा 279A क्या कहता है उस पर बात करेंगे हम, और भारत के संविधान का जो 101वां संशोधन है जिस अधिनियम से ये प्रावधानित किया गया जीएसटी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जीएसटी जब हम कोई चीज केंद्र स्तरीय लेवल पर लाते हैं तो हमारे पास हमारे भारतीय संविधान में 3 चीजों का उल्लेख किया गया है,
उसमें क्या है कि एक होता है संघ सूची का विषय, दूसरा होता है राज्य सूची का विषय और तीसरा होता है समवर्ती सूची का विषय। तो हम जब संविधान में संशोधन किए थे तो वह संविधान जीएसटी के जीएसटी 101 में संविधान संशोधन के तहत आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों है ये। तो हाल ही में 9 सितंबर 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। ये आप यहाँ फोटोग्राफ देख रहे होंगे, ये देखिए, ये श्रीमती निर्मला सीतारमण है और यहाँ देख लीजिए आप, है ना, 54वीं बैठक ये हुआ था। उसमें इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिकारियों ने भाग लिया, केंद्र स्तर के अधिकारी और राज्य स्तर के राज्य अधिकारी। और अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता किया था भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री की जो मंत्रालय की जो मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, ये हैं पंकज चौधरी जी, है ना, ये पंकज चौधरी और गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे। आपको यहाँ समझना होगा, मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए थे, वित्त मंत्री शामिल हुए थे। तो ये चीज आपने इसको फाइनेंस मिनिस्टर जो हर राज्य का होता है वो शामिल हुए थे। नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय ले गए और जिनका उद्देश्य था जीएसटी प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनना। जीएसटी की जो प्रणाली है, जो वर्तमान प्रणाली है हमारे पास, उसको हम कैसे सरल बनाएंगे, उस पर बात हुई थी। 94वीं जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य सिफारिशें क्या हुई थी, अब आपको पूरे उसके बैकग्राउंड में जाना है कि सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है। तो पहला निर्णय लिया गया है क्या कि जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है। आपको मालूम होगा कि जीएसटी में तीन प्रकार के स्लैब्स होते हैं, तो उसमें नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद में जीएसटी को 18% से घटाकर 12% की जाएगी। ये निर्णय लिया गया है कि अब जो नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य उत्पाद है उस पर जीएसटी की दर जो अभी 18% लग रहा था, अब उसमें 12% लगेगा। दूसरा, कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर को घटा करके 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 5%। धातु स्क्रैप पर अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को धातु स्क्रैप की आपूर्ति करने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसको आरसीएम हम लोग बोलते हैं, है ना, तो उनके द्वारा जो रिवर्स होकर के जो आ रहा है, क्योंकि धातु स्क्रैप हो गई, स्क्रैप कार आप लोग जानते ही हैं कि जो टूटा फूटा धातु होगा वही होगा, तो वह जो जब वापस लिया जाएगा जिस पंजीकृत दुकानदार के माध्यम से या व्यक्ति के माध्यम से, तो उस पर ये आरसीएम का पूरा अर्थ होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें क्या कर दिया गया है, B2B आपूर्ति में 2% की TDS लागू होगा। रेलवे के एयर कंडीशनिंग मशीनों पर, तो रेलवे के एयर कंडीशनिंग मशीनों पर क्या होगा, जीएसटी की दर 28% होगी। कार और मोटरसाइकिल के सीटों पर क्या होगा, तो कार और मोटरसाइकिल के सीटों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो कम किया गया, यहाँ क्यों ज्यादा किया गया है, तो विलासिता के जितने भी वस्तु होते हैं, सरकार यह मानकर चलती है कि कार खरीदने वाला इतना पैसा अफोर्ड कर सकता है कि वह कार में पेट्रोल या डीजल, या अगर मान लीजिए अभी तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों का मतलब सरकार ये श्री नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि हम इलेक्ट्रिक मशीनों की तरफ जाएंगे, तब तो आप दिल्ली में भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक क्या नाम है वो मोटरसाइकिलें चल रही है। तो अगर आप आम आदमी हैं तो आप तो मोटरसाइकिल खरीद नहीं रहे हैं, कार खरीद नहीं रहे हैं, लेकिन जो आदमी कार खरीद रहा है या मोटरसाइकिल खरीद रहा है, इसका मतलब है कि वो बीपीएल के दायरे में नहीं आएगा, बिलो प्रॉपर्टी लैंड के दायरे में तो वो आ नहीं रहा है, उसके उसकी आमदनी इतनी तो है कि कम से कम वो कार में लगने वाले ईंधन, चाहे वो माध्यम जो भी हो, पेट्रोल वाली कार हो या फिर इलेक्ट्रिक वाली कार हो,
उसमें उसकी सीटों पर जो 18% का दर था उसको 28% कर दी गई है ना। हाँ, ये तीसरा पॉइंट धातु स्क्रैप पर। धातु स्क्रैप का कंडीशन ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई भी धातु है, स्क्रैप का अर्थ क्या होता है, टूटा फूटा जो चीज होता है उसको हम कहते हैं, जिसको कि ये गार्बेज हो चुका है। गार्बेज हो चुका मतलब क्या हो चुका है, ये जैसे मान लीजिए आपने लोहा का कोई सामान खरीदा, या मान लीजिए आपने कोई तांबा का कोई सामान खरीदा और एक वक्त के बाद तांबा का वो सामान टूट गया या आपके उपयोग में नहीं है, तो उसमें क्या होगा, किसी भी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा, किसके द्वारा, जैसे आप देखते होंगे कवारी वाला आता है आपके पास और कवारी कहता है कवारी ले लो, कवारी ले लो, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि आपके घर के अंदर जो उपयोग होने वाला सामान है उसको तो आप रखते हैं, लेकिन जो उपयोग होने वाला सामान नहीं है उसको आप क्या करते हैं, कवारी वाले को बेच देते हैं। तो यह जो धातु स्क्रैप यानी कि कवारी है, वह किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा, अगर पंजीकृत व्यक्ति को धातु स्क्रैप दी जाएगी तो उसमें इस पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 2% का TDS लागू होगा। जो पंजीकृत व्यक्ति है, अपंजीकृत व्यक्ति उसको देगा, तो आप चूंकि सामान को ले रहे हैं, जब आपने सामान बेचा होगा तो उस धातु पर या तो 12% आपने लिया होगा या 18% GST आपने लिया होगा, लेकिन जब उसी चीज को जो हमारे उपयोग में नहीं है उसको अगर हम बेचते हैं, तो जो पंजीकृत कबाड़ी वाले का भी कोई पंजीकृत दुकान तो होगा ना, तो वह जो दुकानदार होगा वह सरकार को 2% की TDS के रूप में उसको वापस करेगा। ये है इसका मूल पॉइंट। कोई दिक्कत? अब आइए सेवाओं पर जो GST लगेगा, सेवाओं पर, क्योंकि सरकार की योजना है कि विभिन्न सेवाओं पर जो GST लगेगा उस पे उनका क्या, इस बार 54वीं GST के GST परिषद में क्या ये निर्णय लिया गया है उसके बारे में समझेंगे। तो जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर GST की पर एक मंत्रियों का एक GOM ग्रुप ऑफ मंत्री, GOM का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ मंत्री, मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाएगा। और गठन क्यों किया जाएगा कि इस पे लिख, उनका काम ये है कि सरकार को ये रिपोर्ट करेगा ये कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कितना GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या लगना चाहिए तो उसका स्तर क्या हो, ये अभी ये बैठक में निर्णय लिया गया है, अभी उसका वो गठन किया जाएगा, वो रिपोर्ट जब देगा तो हो सकता है 55वीं जो बैठक हो उसमें इसका जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जो आपको GST लगेगा वो या तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, या GMO यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं जो सरकार को रिपोर्ट करेंगे, अपना रिपोर्टिंग जब वो पेश करेंगे तो सरकार उसके बाद योजना बनाएंगी कि हमको कितना लेना है। अभी अभी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर यह कहा जा रहा है कि हम लेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, खास करके वृद्ध व्यक्तियों के लिए ये GST नहीं ली जाती है। लेकिन ये जो ग्रुप होगा, यह ग्रुप उसमें क्या क्या चार्जेज हो, क्या क्या चेंजेज होना है, चेंज करें कि नहीं करें, यह ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो है ये बताएंगे इनको, उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट को अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद आपको ये इस पर निर्णय लिया जाएगा। हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रियों का परिवहन, इसमें क्या किया गया है कि जो यात्री जो जब परिवहन पर जाएगा, माने जो यात्री जब यात्रा करेगा तो उस पर GST 5% की 5% यात्री के लिए 5% लागू होगा, जबकि हेलीकॉप्टर चार्टर पर, चार्टर हेलीकॉप्टर होता है आप लोग जानते हैं, चार्टर हेलीकॉप्टर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है ना, तो अगर जो हेलीकॉप्टर जो परिवहन के लिए जो हेलीकॉप्टर है, जो सामान्य लोगों के परिवहन के लिए जो हेलीकॉप्टर यूज किया जाता है उस पर 5% ही GST लगेगा, लेकिन अगर आपका अपना चार्टर हेलीकॉप्टर है तो उस पर 18% की GST लागू होगी, है ना। उसके जी बताइए, हाँ आमतौर पर पर्सनल यूज के लिए लोग,
18% कर दिया है। उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम, उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम आपको मालूम होगा कि रायबरेली में और विशाखापट्टनम में, खास करके रायबरेली में, हमारे यहाँ ये जो हेलीकॉप्टर के उड़ान को जो प्रशिक्षण उड़ान करने के लिए, जैसे हेलीकॉप्टर को हम कैसे चलाएंगे, तो वहां जो पायलट की जो ट्रेनिंग होती है उस पर जो DGCA, क्योंकि DGCA ही निर्णय लेती है कि आपको कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिले या नहीं मिले, तो पायलट यानी कि जैसे एक होता है लोको पायलट और दूसरा होता है पायलट। आप लोको पायलट और पायलट के अंतर समझ लीजिए। ये जो लोको पायलट होते हैं, लोको पायलट, ये लोको पायलट का काम है डीजल इंजन को चलाना। रेलवे का जो डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन जहां से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो ये डीजल इंजन चलाते हैं। और जो पायलट होते हैं वह होते हैं हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, है ना। तो उसमें आप जो DGCA द्वारा जो अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वह शुल्क GST के शुल्क से फ्री रहेगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति अगर पायलट बनना चाह रहा है और पायलट प्रशिक्षण संस्थान में वह अपना एडमिशन लेता है, वह उनकी ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग देने के क्रम में जो उस पाठ्यक्रम में जितना पैसा लगेगा उस वह पैसा GST के कर से मुक्त होगा। अनुसंधान संस्थान और विकास सेवाओं पर भी, भारत में रिसर्च, क्योंकि आप जानते हो कि भारत में रिसर्च पर सरकार का बहुत जोर है। और एक बात मान लीजिए, भारत ही नहीं, मैं पूरे विश्व के संदर्भ में कह रहा हूँ कि जब भी कोई विकास होता है, जब भी कोई रिसर्च होता है, तो रिसर्च का जो कार्य है वह उससे केवल उस देश को ही फायदा नहीं होता है, वह पूरे वैश्विक समुदाय को फायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले ही कोविड आया था, जो वैश्विक महामारी थी, लेकिन वैश्विक महामारी के तुरंत बाद हर देश के लोगों ने अपने अपने स्तर पर टीका विकसित करने की प्रणाली के लिए शोध करना प्रारंभ किया। भारत भी किया, भारत ने जब अपना टीका विकसित किया तो उन्होंने क्या किया, भारत से लेकर के उनके जितने भी मित्र दोस्त थे, जो मित्र देश हैं, उन देशों को उन्होंने क्या किया, मानवीय सहायता के लिए उनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट में वो टीकाकरण के लिए पूरा टीका भेजे। तो अगर कोई अनुसंधान होगा, जो रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटीज होगी या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट होंगे, जैसे मान लीजिए कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या भारत सरकार के IIT हैं, NIT है, तो यहाँ पे अगर रिसर्च होगा, या ISC बेंगलुरु है, तो यहाँ पे जो रिसर्च होगा उस रिसर्च के लिए, अनुसंधान और रिसर्च के लिए जो वस्तुओं को मांग, मैंने अगर मान लीजिए कि हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन पर, मान लीजिए आप रिसर्च स्कॉलर हैं इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, तो आपको जो सामान चाहिए उस सामान की जो आपूर्ति जिस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और आप उसको खरीदेंगे, अर्थात आपका इंस्टीट्यूट अगर खरीदेगा इसको, या आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी जब खरीदेगा आपको विकास करने के लिए, मतलब उस अनुसंधान रिसर्च करने के लिए, तो उसमें भी 1 रुपया या 1% भी शुल्क नहीं दिया जाएगा, GST नहीं लिया जाएगा, इसको GST से मुक्त रखा गया है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है ना। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उपाय, यह केवल GST का 54वीं GST का ये निर्णय है, अभी जो भी अभी लागू होना बाकी है। ये जो मैं आपको जितना ही चीज पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट बताने के पीछे मेरा एकमात्र कारण ये है कि 54वीं GST की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। फिर हम आगे आपको बताएंगे कि GST काउंसिल क्या होता है, और उससे प्री और मेन से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन ही बताएंगे। तो CS GST अधिनियम की धारा 228A के द्वारा जो वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 के लिए CGST स्टेट का जो GST होता है उसको हम CGST कहते हैं ना, अधिनियम की धारा 73 के तहत
मांगों से संबंधित ब्याज या जुर्माना से छूट की प्रक्रिया की सिफारिश की गई है। हाँ हाँ, एक सेंट्रल वाला जीएसटी होता है और उसमें जो उनका परसेंटेज होता है वो स्टेट को दे दिया जाता है। तो इसमें कहा यह गया है, अब मैंने यहाँ पे आप एक गौर करिएगा, वित्त वर्ष, तो वित्त वर्ष क्या होता है? वित्त वर्ष होता है आमतौर पे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक। तो जैसे मान लीजिए अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2024-25, है ना, 2024-25। तो जो 2017 का जो वित्त वर्ष था, या 18-19 का जो था, या 19-20 का जो था, उस पे कोई जुर्माना नहीं लगेगा और कोई ब्याज नहीं लगेगा, उनको ये कर दिया जाएगा। फिर वो पहले वो सेंट्रल में जाएगा और जब सेंट्रल क्या करेगा, उसका उसका जो हिस्सा है वो स्टेट को दे देगा। जैसे आप इसको इस तरह समझें कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के में कोई सामान खरीदे, आपको जीएसटी लगा, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें से जो उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा होगा वो हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे देगा, उत्तर प्रदेश को दे देगा, और बाकी जो है आपके पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगा। हाँ आती है, यही रूल भी है। तो पहले क्या था कि स्टेट अलग टैक्स लेता था आपसे और सेंट्रल आपसे अलग टैक्स लेता था। हाँ लेकिन अब क्या हुआ कि आपको जीएसटी के तहत एक ही टैक्स लिया जाएगा, लेकिन वो उसमें जो पैसा लिया गया है, आपने उत्तर प्रदेश में खरीदा तो उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, अगर आपने पंजाब में खरीदा तो पंजाब को दिया जाएगा, अगर मान लीजिए आपने जम्मू एंड कश्मीर में कोई सामान खरीदा तो जम्मू एंड कश्मीर में दिया जाएगा, अगर मान लीजिए आपने बिहार में कोई सामान खरीदा तो बिहार को दिया जाएगा, है ना। तो क्योंकि 17-18, 18-19, 19-20 के तहत ये रूल है कि अगर आप कोई सरकार का कोई पैसा अगर आप सरकार को वापस नहीं करते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है। तो सरकार ने ये कहा कि चलिए आप 17-18 या 18-19 या 19-20 में जो भी जो टैक्सेस आपने कलेक्ट किया है उसको हम आपको जुर्माना देने की जरूरत नहीं है, कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, आप हमको इसे ही वापस कर दीजिए, ये सिफारिश की, मतलब छूट की प्रक्रिया की सिफारिश की गई है। जीएसटी नियम के 2017 में संशोधन किया गया है। 2017 के नियम में क्या था कि 89 और 96 में संशोधन और निर्यात पर आईजीएसटी रिफंड के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा। अब ये निर्णय है, लागू नहीं हुआ है, याद रखिएगा इस चीज को, ये भी निर्णय है। अन्य उपाय क्या होगा, तो B2B इनवाइसिंग, यानी कि व्यापक दक्षता और ग्राहक पारदर्शिता में सुधार के लिए चयनित क्षेत्रों में B2CE इनवाइसिंग के जो है उसके तहत ई चालान शुरू करने की सिफारिश की गई है। आप लोग आजकल देखते होंगे कि पहले जब आप लोग गाड़ी चलाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे क्या कि चालान जो है वहीं पे कट जाता था, है ना, और या बहुत सारे लोग क्या करते थे कि बहुत बात, मैंने ये सच्चाई तो यही है देश की, लेकिन चूंकि आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा हम सरकार के अगेंस्ट बोल नहीं सकते हैं, तो क्या होता था कि पुलिस वाले को 100-200 रुपया आप दे करके, आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ दिया है, आप कुछ और कर दिए हैं, तो आप परिवहन के जितने भी नियम है अगर आपने उसका अतिक्रमण किया है या उसको आपने तोड़ा है तो उस कंडीशन में आपको चालान भरना पड़ता था। तो चालान भरने की प्रक्रिया दो होती थी, या तो आप उसी पुलिस वाले को देते थे या फिर कोर्ट जाके देते थे। अब क्या कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन ही उसमें कर दिया गया, सिफारिश की गई है। चालान प्रबंधन और नए लेजर, नया व्यापार में एक लेजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं कि कितना सामान आया, कितना हमने बेचा, मुनाफा कितना हुआ, तो ये इसके लिए जो चालान प्रबंधन प्रणाली, हालांकि हमने इस पर भी आर्टिकल लिखा है लेकिन आज के चैप्टर में ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको ई चालान की, वो आप प्लूटस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर के आप ई चालान की प्रणाली को आप पढ़ेंगे और आप वहां से ई चालान प्रणाली को समझ लेंगे कि ई चालान प्रणाली क्यों भारत में जरूरी है और इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है।
जब भी मैंने पहले क्लास के शुरुआत होने से पहले ही मैंने कहा था कि जैसे जैसे प्रशासन में सुधार करने की प्रणाली आएगी, यानी कि ई गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा, उस स्थिति में सब कुछ पारदर्शी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब कोई पुलिस वाला आपसे, अगर मान लीजिए आप ड्रिंक एंड ड्राइव में कर रहे हैं, या आप ट्रैफिक रूल को तोड़ रहे हैं, या आप ट्रिपल सवारी कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, या आपने हेलमेट नहीं यूज किया, या आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, तो अब आप क्या नाम है पुलिस वाले को 100 रुपया दे करके 200 रुपया दे करके छूट नहीं जाएंगे। अब वो आपकी सुरक्षा, यातायात के जितने भी नियम है जो आपकी सुरक्षा के लिए तय किए गए हैं, उनमें अब आपको ये चलान के प्रणाली के माध्यम से आपको माने उस ई चलान प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से आपको जो भी जुर्माना लगता है, या जो भी आपको ट्रैफिक रूल्स में जो भी आप चेंजेज लाते हैं उल्लंघन करने के बाद, जो भी आपको ये क्या बोलते उसको ये जुर्माना देना पड़ता है, जो आप कोर्ट में जाके देते थे, अब डायरेक्ट आ जाता है। मेरा भी एक बार कट गया ऐसे ही बिना मतलब का। मैं वहाँ खड़ा था, संजोग था कि मैं हेलमेट नहीं पहना हुआ था, क्योंकि लोकल चल रहा था, मैं गाड़ी चला तो आया, चलान काट दिया। अब तो 1000 रुपया लेने लगा, मुझे 1000 रुपया मुझे जमा करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा हेलमेट नहीं पहना था, लोकल में बैठा हुआ था मैं। कि गाड़ी बता, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ अभी राजेंद्र नगर में है, मान लीजिए करोलबाग आपको जाना है, तो करोलबाग मेट्रो स्टेशन यहाँ से कितना दूर होगा? मुश्किल से पैदल भी जाएंगे आप तो 5 से 7 मिनट में चले जाएंगे। तब इतना दूर के लिए सपोज कीजिए कि हमने हेलमेट नहीं लगाया और वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए हैं, उन्होंने तुरंत मेरा चालान काट दिया 1000 रुपया। अब 1000 हेलमेट में पहना नहीं हुआ था, 1000 रुपया तुरंत कट गया। हाँ तो आप अगर, हाँ आपने सही क्वेश्चन किया है। हाँ 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 उसके दो कारण होते हैं। हाँ आपने सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में ये जिज्ञासा होती है इस प्रश्न को लेकर के, कि अगर मान लीजिए कि मेरी गाड़ी है, सरकार ने हम पर चलान ठोक दिया तो क्या नाम है, उस कंडीशन में हम चलान जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो उसके हाँ हाँ तो उसमें दो कंडीशन है। अगर आप अपनी गाड़ी को जिस दिन बेचना चाहेंगे उस दिन आपको NOC लेना पड़ेगा कि आप पर इस गाड़ी पर कोई चीज का बकाया नहीं है। मान लीजिए आपने गाड़ी लिया और आपने इनको बेच दिया है ना, तो आप जब इनको बेचेंगे तो आपको NOC, जिसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी खरीद पाएंगे। नहीं तो ये खरीद नहीं सकते, रूल है ना कि आपको NOC देना ही पड़ेगा। तो ये दूसरा कंडीशन क्या है कि सरकार आपको बार बार क्या नाम है ये मैसेज करेगी कि आपको चलान आके भरिए, नहीं तो समन आ जाएगा। अब आप जो कह रहे हैं कि भारत में चूंकि क्या होता है, कोई भी नियम लागू होता है तो कुछ लोग उसको उसका लूप पॉइंट यानी कि बीच से बचने का रास्ता खोज लेते हैं। ठीक ओके हाँ लास्ट ऑप्शन। हाँ तो आप तो उस कंडीशन पे आप समन जारी होगा और जो परिवहन के नियम के तहत जो भी जुर्माना होगा आपको, जुर्माना भी आपको सरकार को देना होगा। जैसे पहला क्या है कि अगर आप पहली बार गलती कर रहे हैं तो उसमें आप चालान भर दीजिए, अगर चालान नहीं भरते हैं तो आपको शो कॉज नोटिस जारी होगा कि आपने चालान क्यों नहीं भरा। अगर उसके बाद अगर परिवहन मंत्रालय के जो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग जज बैठे होते हैं, तो वो जज अगर चाहेगा तो आपके लिए वारंट जारी कर देगा, इनको लाइए और ये जमा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बताएं, ये कोर्ट को बताएं कि ये पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। वो तो मैंने कहा ना कि लोग बीच का रास्ता खोज लेते हैं, तो बीच का रास्ता खोजना अलग चीज है, लेकिन कानून तो कानून है ना। कि जैसे मान लीजिए कि ये कानून है कि हम क्या नाम है किसी कार में बैठे हुए हैं तो हमको सीट बेल्ट बांधना चाहिए, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए है,
कि अगर कोई भी अप्रत्याशित घटना घटती है या मान लीजिए कोई अचानक से कोई दुर्घटना घटती है, उस कंडीशन में आपके पास ये विकल्प होगा कि क्या नाम है, अगर आप सीट बेल्ट बांधे हुए हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन मान लीजिए आप नहीं बांधते हैं तो जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। ये कानून यही है। यहां तक समझ गए? अब हम आगे आते हैं। देखिए जीएसटी की परिषद का संरचना और स्वरूप कार्य कैसे, ये जीएसटी है जिसमें क्या होगा, एक केंद्रीय जीएसटी होगा, है ना, दूसरा राज्य का जो जीएसटी होगा, और तीसरा जो है जीएसटी होगा जिसमें राज्य और केंद्र दोनों एक साथ वसूलेंगे। तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है ना, समझ गए, कि पहले जो है केंद्रीय, जब आप किसी भी चीज में देखिएगा तो उसमें देखिएगा क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना जीएसटी, राज्य गवर्नमेंट का इतना जीएसटी। इवन आप लोग फॉर्म भी कोई भरते होंगे बैंकों का तो आपसे पूछा जाता है कि आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, आप जो हमको जीएसटी दे रहे हैं फॉर्म भरने में जो जीएसटी लेती है बैंक आपसे, तो पूछा है किसको देना पसंद करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दिल्ली, और क्या नाम परमानेंट एड्रेस मान लीजिए आपने बिहार भरा, तो परमानेंट एड्रेस बिहार भरा तो वहां पे आपको आपसे तुरंत बैंक पूछेगी, बैंक का जो फॉर्म भरेंगे आप, बैंक के जो ऑफिसर बनने के लिए जो फॉर्म होते हैं उसको अगर भरेंगे तो उसमें तुरंत वो नीचे पूछ लेगा किस राज्य को देना चाहेंगे, केंद्र को देंगे या राज्य को देंगे, कहाँ आप कटवाना चाहेंगे। तो जैसे ही आप इसमें आएंगे तो आप इंडिकेट कर देंगे ठीक है हम बिहार, तो उसमें क्या होगा कि बिहार का जो हिस्सा है वो बिहार को मिल जाएगा और केंद्र का जो हिस्सा है वो केंद्र पहले आएगा केंद्र के पास ही, लेकिन वो क्या होगा बीच में फिर बंटवारा हो जाएगा। इसीलिए आप गौर करते क्या होइएगा, आप लोग अगर गौर करिएगा कि हमारे यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ऑफिसर्स चुन के जाते हैं, खास करके जो रेवेन्यू सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं सो, है ना, जिसको IRS कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, और इधर से जब राज्य अपना एग्जाम लेती है, राज्य भी सिविल सर्विस परीक्षा का एग्जाम लेती है, तो राज्य में भी क्या होता है कि वित्त सेवा के लिए अधिकारी का चुनाव होता है, और जब वो एग्जाम को पास करके जो अधिकारी कार्य करते हैं तो एक केंद्र का ऑफिसर और एक राज्य का ऑफिसर दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। जैसे जब UPSC का अगर आप एग्जाम देंगे तो जैसे आपको मालूम है कि तीन सेवा जो है वो क्या है, ऑल इंडिया सर्विस है जिसमें कैडर डिसाइड होता है, IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, फॉरेन सर्विस केंद्रीय सेवा है, सेंट्रल जॉब है। उसी तरह IRS का जॉब है वो IRS का जॉब सेंट्रल जॉब है, तो IAS के अधिकार मतलब जो UPSC के रेवेन्यू सर्विस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, इसमें कोई ऑल इंडिया का कंडीशन नहीं है, उसमें वो ऑल इंडिया कहीं भी उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। कैडर मैंने क्या कहा, क्योंकि IAS में और IPS में कैडर होता है, तो कैडर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका चयन IAS में हो गया और आप बिहार में आपकी पोस्टिंग हो गई, तो आप पूरी जिंदगी वहां बिहार में काम करेंगे, है ना। आप हो सकता है कि शुरुआत में आपको SDO बनाकर शुरू करवाया जाएगा आपके जॉब को, ट्रेनिंग माने ट्रेनी IAS के रूप में, और फाइनली आप वहां से काम करते करते सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, उसके बाद जब आपका एज बचा हुआ है जितना साल आपने सेवा किया, 30 साल से अगर अधिक सेवा कर चुके होंगे आप IAS के रूप में, तो फिर 31वें साल में आप कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार के पास आ जाएंगे। बीच में आप एक वर्ड सुनते होइएगा डिप्टेशन, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या कि हम डिप्टेशन पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ अगर कोई कोई कर्मचारी किसी राज्य में काम कर रहा है उसकी प्रतिनियुक्ति हो जाती है। रिप्टेशन कहाँ पे हो जाती है, केंद्र में, तो उसमें IAS की सर्विस में अब जो कर दिया गया, पहले ये रूल नहीं था लेकिन बीच में ये रूल कर दिया गया क्या कि हम आपको शुरू में ही क्या नाम है केंद्र में लाएंगे, तो हाँ जो भी होगा वो उस स्टेट में ही काम करेगा वो, हाँ, या कमिश्नर बनके या स्पेशल सेक्रेटरी बनके, सेक्रेटरी बनकर के, है ना, या चीफ सेक्रेटरी बनकर के। स्टेट में जो IAS का सबसे बड़ा पोस्ट होगा वो क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी, लेकिन केंद्र में अगर IAS का सबसे बड़ा पोस्ट होगा वो क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना।
तो उसमें भी रूल है। रूल क्या है कि अगर अगर आप मान लीजिए 25 साल में नौकरी ज्वाइन किए और आपके पास अगर आपने 32 साल नौकरी किया, तो यानी कि 30 साल तक अगर आप नौकरी कर लिए हैं तब तक तो आप चीफ सेक्रेटरी के रूप में राज्य में काम करते रहेंगे। 30 साल के बाद जैसे ही 31वें और 32वें साल में आप जाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में। तब आप स्टेट में नहीं होते रहते हैं, आप चले आते हैं केंद्र में। बीच में सरकार ने क्या किया था कि ये देखा गया कि जो लड़के या लड़कियां जो आई मतलब 9 महीने की ट्रेनिंग होती है उनकी, यहाँ से सिलेक्शन यूपीएससी के एग्जाम को पास करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होने के बाद, हाँ लवासना में जो पहला जो फाउंडेशन कोर्स जो 3 मंथ का होता है, उसके बाद फिर जो सारे अधिकारियों को भेज दिया जाता अलग अलग जगहों पर, जैसे कोई आईपीएस के अधिकारी हैं तो आईपीएस के रूप में भेज दिया गया, कोई आईआरएस के अधिकारी हैं तो आईआरएस के जो संस्थान है वो क्या नाम है जो इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको जेएनयू के पास, चूंकि मैं जेएनयू का स्टूडेंट रहा हूँ तो जेएनयू के जस्ट बगल में बेसराय में वहाँ पे इंस्टीट्यूट है जिसका नाम कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश सेवा मंत्रालय, है ना, विदेश मंत्रालय, तो वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये सब सारे ये जो जितने भी पोस्ट हैं ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। आईएएस आईपीएस और आईएफएस आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पोस्ट जो होता है उसी में केवल कैडर होता है। मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा इस पर डिटेल पढ़ाऊंगा कि मतलब क्या होता है कि सरकार जब कोई रूल लाती है तो रूल लाने के बाद एक सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि रूल लाने के बाद लोग उसका लूप पॉइंट खोज लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आप अब कह रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड सर्किल में जो लोग हैं जो लॉयर हैं वो क्या करते हैं कि जीएसटी को मतलब सॉरी ये जो चलान कटा हुआ है चलान को कटाने का बीच का रास्ता खोजता है। तो होता क्या था कि ये देखा गया लवासना में कि जैसे मान लीजिए मैं बिहार का ऑफिसर, मैं बिहार का लड़का हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो मैं यूपीएससी के द्वारा आईएएस घूम को बिहार मिले, है ना, हाँ बिहार का डर मिल जाए। अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। देखिए जब आप क्या जब क्या चूंकि मैं इंटरव्यू दिया हूँ 3-3 बार आईएएस का तो मुझे मालूम है अच्छी तरह से क्या होता है। सो 3 बार इसका इंटरव्यू दिया है, दुर्भाग्य है कि क्या नाम है सिलेक्शन नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं पॉइंट पे। होता है क्या कि जब आप डैब भरेंगे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पीटी के वक्त में तो आपको नॉमिनल डैब भरना होता है कि आप पीटी में कहाँ एग्जाम देना चाहेंगे, आपका एजुकेशन कितना है, डेट ऑफ बर्थ कितना, फादर्स नेम मदर्स नेम, ये सब जो जो आम जानकारी है वो आम जानकारी आपसे पूछी जाएगी जिसको हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, वो नॉमिनल जानकारी पूछी जाती है। जब आप पीटी को पास करेंगे तो मेंस के लिए अलग से आपको डैब भरना होगा, है ना, और डैब भरने क्रम में आप तय करते हैं कि हमको क्या क्या चीज का सेवा मिलना चाहिए। पहले क्या होता था कि राज्य मिलता था, लेकिन 2017 या 18 में सरकार ने जानबूझ करके भारत को 6 जोन में बांट दिया, है ना। गुड मॉर्निंग, आप वहां से एक पानी का बोतल ले लीजिए अगर पानी है तो। आप बैठिए बैठिए, क्लास में बैठिए, पानी ले लीजिए। हाँ तो होता क्या था कि आप गौर करते हुए क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप और आप दोनों का ही चयन हो गया आईएएस के रूप में, है ना, आपको मध्य प्रदेश में नौकरी करनी है और इनको उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है। संजोग क्या हुआ कि आपको मिल गया उत्तर प्रदेश और इनको मिल गया पंजाब, है ना। तो लवासना में जब ट्रेनिंग होता था तो वहां पे लड़के लड़कियां बड़ा चालाकी करने लगे। चालाकी क्या करने लगे कि लवासना में शादी ब्याह का कंसेप्ट अपना चालू कर दिया, है ना। तो अब उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए उनको मध्य प्रदेश जाना है और आप पंजाब में हैं तो वहां पे वो जानबूझ करके ये लोग क्या करते थे कि शादी करते थे इसलिए कि ताकि हमको अपना स्टेट मिल जाए। तो सरकार का भी ये कर नहीं था कि भाई
मियां बीवी दोनों आईएएस जाने दो यार, एक ही राज्य में जाने दो, क्या दिक्कत है ना। हमारा काम है उस ऑफिसर से काम लेना, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जब जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी का टॉप पॉइंट तो यूपीएससी से स्टार्ट होता है ना, आईएएस आईएएस के रूप से आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो सरकार ने ये देखा क्या कि इस तरह तो खूब शादी ब्याह हो रहा है, मतलब लवासना में है ना, कि अगर आपको इच्छित कैडर नहीं मिला, जैसे मान लीजिए मेरा कैडर मिल रहा था केरल, इनको मिल रहा था बिहार, अब या तो आप अगर सपोज करिए कि आप चाहते हैं कि हमको केरल में मतलब नहीं रहना है, हमको बिहार में रहना है, तो आप क्या करते थे कि देखते थे कि किस लड़का को बिहार मिलने वाला है, तो जिस लड़का को बिहार मिलता है उसके साथ आप क्या करते हैं, शादी उदी कर लेते हैं, तो आप बिहार चले गए, केरल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, है ना। या फिर मान लीजिए उस लड़का को केरल ही जाना है, तो आप वो लड़का क्या करेगा, केरल की किसी जिसको केरल कैडर मिल रहा है वो केरल कैडर वाले में चले जाएंगे, उनसे शादी विवाह कर लेंगे। तो सरकार ने देखा कि ये तो बड़ा नौटंकी हो रहा है, जानबूझ करके ये लोग कर रहा है, तो उन्होंने एक नया रूल लाया। नया रूल क्या लाया कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि भारत को 6 जोन में बांट दिया, हर जोन में राज्य है, जो राज्य माने कैडर रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 जोन में रहेगा। जैसे मान लीजिए 6 जोन में मान लीजिए कि एक जोन नंबर 1 में अगर 4-5 राज्य है, जैसे मान लीजिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है ना, तो इसमें तो आप जब डैफ का फॉर्म भरेंगे तो आप उसमें इंडिकेट करेंगे कि अच्छा ओके 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 लो भाई इसमें, तो अगर आप मान लीजिए कि जब आप फॉर्म भरेंगे इसके लिए डैफ के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करते थे आप कि आप वहां इंडिकेट करते थे कि अगर मेरा चयन होता है आईएएस के रूप में तो हमको पहली प्राथमिकता ये है कि हमको ये राज्य मिलना चाहिए, फिर दूसरी प्राथमिकता ये राज्य, तीसरी प्राथमिकता ये राज्य, चौथी प्राथमिकता ये राज्य, ठीक इसी यही कंडीशन आप आईपीएस के लिए भी करते थे। अंटिल अगर आप फॉरेस्ट सर्विस में अगर आप के लिए अगर आप एलिजिबल नहीं है या फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहे हैं तो फॉरेस्ट सर्विस में आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसमें फॉरेस्ट सर्विस को अगर हम छोड़ दें तो इधर जो आईएएस और आईपीएस का जो दो कैडर है उस कैडर में आप इंडिकेट करते थे। अभी आपको इंडिकेट करना ही पड़ेगा जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड भरेंगे तब, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंग टू रैंक अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस आधार पर और उस राज्य में उस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं उस आधार पर आपको कैडर डिसाइड होता था और आपका कैडर मिल जाता था। तो जब ये नौटंकी होने लगी, ब्याह वाला नौटंकी, लवासना में खूब ये फैशन चलने लगा, वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में भी खूब नौटंकी चलने लगा, एक आईपीए दूसरे आईपीए से ब्याह कर रहा है, और होता क्या था कि दोनों में से किसी एक को एक राज्य में काम करना था, तो सरकार ने कहा कि देखिए अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको केरल मिला और आपको मिला बिहार, तो आप चाहते हैं कि ये बिहार आ जाए या आप चाहती हैं कि मैं केरल चला जाऊं, है ना, तो उस कंडीशन में दोनों न तो बिहार मिलेगा न ही केरल मिलेगा, फिर आपको तीसरा कैडर देंगे हम, आपको दूसरे हरियाणा में भेज देंगे, दोनों को हरियाणा भेज देंगे, है ना, दोनों को हरियाणा में भेज देंगे। तो ये मतलब शादी विवाह का मामला, और एक बात और जान लीजिए, आईएएस का एक क्लास होता है, आईएएस नौकरी नहीं है, ये क्लास है। तो लोग जैसे ही बच्चे अपना क्लास चेंज करते हैं तो उसके बाद उनके मन में आता है कि क्या ना हमारा क्लास चेंज हो गया है तो हम इस राज्य में वो काम करने का मन। सरकार ये जब देखी, ये रिपोर्ट देखी, लवासना का जब रिपोर्ट आया तो यह देखा गया कि अरे ये लोग तो खूब शादी विवाह कर रहे हैं। नहीं मैंने जब आप सेलेक्ट इंडिकेट करेंगे तो आप डैफ के समय में ही नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टूड इंग्लिश, देर इज नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, हाँ देर इज नो प्रॉब्लम। तो जैसे होता ये है, आप समझिए इस चीज को, कि जैसे जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको जोन 1 में अगर मान लीजिए 6 राज्य है या 7 राज्य है तो आप उसमें नंबर 1 पे डालेंगे कि हमको नंबर 1 में
बिहार हो, नंबर टू पे उत्तर प्रदेश हो, नंबर थ्री पर क्या ना उत्तराखंड हो, नंबर फोर पर हिमाचल प्रदेश हो, नंबर फाइव पर ये मध्य प्रदेश हो, तो अगर आपका जो रैंक है, अगर आप जिस कैटेगरी से आ रही हैं या आ रहे हैं उसके अनुसार उस राज्य में अगर उतना पोस्ट खाली होगा, जिसको इसको और थोड़ा आसान भाषा में आपको हम समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे बिहार में काम करना है ना, बिहार में उस साल जिस साल जैसे यूपीएससी का जो 24 अभी 23 का एग्जाम चल रहा है, 24 में रिजल्ट आएगा, तो जैसे ही आप क्या नाम है आप एग्जाम देंगे, तो एग्जाम देने के बाद अब जैसे अभी 23 का एग्जाम चल रहा है मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू होगा फरवरी जनवरी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल तक चलेगा है ना। तो जब आप लवासना जाते हैं या सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी जाते हैं वहाँ हैदराबाद में पुलिस आईपीएस की ट्रेनिंग लेने के लिए, हाँ, या फॉरेन सर्विस के लिए अगर मान लीजिए क्या नाम है आप ये बेरसराय दिल्ली में जो बेरसराय नामक जगह है जेएनयू के ठीक बगल में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में बेरसराय पड़ता है, तो बेरसराय में वहाँ हाँ बेरसराय एक जगह है जो दिल्ली में है, नहीं नहीं इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए जो फॉरेन सर्विस वालों को IFS जो लोग होते हैं उनकी ट्रेनिंग वहां होती है। तो अब क्या किया गया कि जब आप जैसे बिहार में मान लीजिए कि 10 IAS है कोई की जरूरत है, उसमें उनको 10 नहीं मान लीजिए 20 मान लीजिए, तब समझने में आसान होगा कि बिहार में 20 IAS की जरूरत है, ओके, और हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्य का संबंध है, तो ना तो केंद्र मनमानी कर सकता है ना ही राज्य मनमानी कर सकता है, केंद्र का भी ऑफिसर वहां जाए काम करने के लिए, और स्टेट सिविल सर्विसेज के द्वारा जो लड़के या लड़कियां चुन के आते हैं वो भी काम करेंगे उनके साथ मिल करके, ब्यूरोक्रेसी तो ग्रुप में काम करता है, आप हो सकते हैं कि उसके हेड हों, लेकिन आपके जितने भी सबऑर्डिनेट हैं जो आपके सहायक कर्मचारी सब आपके साथ मिलकर काम करता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर पुलिस अधिकारी बन गए माने आप IPS बन गए तो आप जाकर के एक ही दिन में क्राइम को समाप्त कर दीजिएगा, संभव नहीं है, आपके लिए इंस्पेक्टर भी महत्वपूर्ण है, सब इंस्पेक्टर भी DCP जो जिसको डानिक्स जो मिलता है, हाँ जैसे ये क्या नाम है जैसे दानिश का जो कैडर मिलता है दिल्ली वाला जो कैडर मिलता है इनकी सेम कंडीशन ये है कि जैसे अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आया तो वो DSP से DCP से चालू करेगा है ना, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता जाएगा, हाँ, तो जैसे आप IPS के रूप IAS के रूप में भी जाएंगे तो क्या बोले ACP होता है, हाँ तो हाँ हाँ तो जैसे मान लीजिए कि आप जहां पे ये क्या बोलते उसको राज्य नहीं है जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी में इस तरह का रूल लागू होता है, वरना राज्य में क्या होता है कि SDO होता है ना, फिर क्या नाम है या ये SDO होता है, जब IAS के रूप में आप चुन के जाएंगे तो SDO के रूप में काम करेंगे, और राज्य का सबसे बड़ा सेवा जो होगा प्रशासनिक अधिकारी का वह होगा SDM का, हाँ ओके, हाँ तो अगर वो IAS के थ्रू गए होंगे, राज्य के थ्रू गए हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू गए हैं, हाँ तो उनका अगर जॉब बचा होगा तो उसके बाद उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, बहुत पावर होती है उसमें पढ़ाएंगे तो फिर आज का पूरा GST है नहीं, अभी आप लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं क्या अच्छा चलिए मैं इस पर भी एक दिन क्लास लूंगा, पूरा बता दूंगा डिटेल बता दूंगा है ना, तो यहां तक समझिए। अब क्या हुआ, अब आइए GST के संरचनात्मक स्वरूप को समझिए कि GST है क्या, इसलिए मैंने कहा था कि मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रख करके आपकी तैयारी करवाई जा रही है GST के माध्यम से। तो GST परिषद जो है GST काउंसिल जो है वो भारतीय संविधान की धारा 289A के तहत गठित की गई थी, हाँ 79
279 हिंदी में शायद गलती में बोल गया हूँ, तो 279 की धारा ए के तहत गठित की गई थी। यह क्या है? तो यह वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को संचालित और विनियमित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है ना, कि वस्तु और सेवा कर जो आपसे लिया जाएगा, जो कोई वस्तु आप खरीदते हैं या कोई सेवा आप लेते हैं या देते हैं, तो उस कंडीशन में जीएसटी जो आपको लगता है या देना जो पड़ता है, तो इसका गठन भारतीय संविधान की धारा 279 है ना, 79 ए के तहत गठित की गई थी। भारतीय संविधान में क्या हुआ था, 101 में संविधान संशोधन के तहत इसका गठन किया गया था, है ना। तो अगर कहीं पूछ दिया जाए कि भाई कौन सा संविधान संशोधन, तो जीएसटी से संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो 101 में संविधान संशोधन से ये किया गया था। कब किया गया था ये, तो 2016 में, है ना, 17 से ये लागू होना प्रारंभ हुआ था, है ना। तो संविधान में संशोधन हुआ 2016 में, और यह भारत में 1 जुलाई 2017 से यह भारत में, पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। यह परिषद भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्या करता है, वस्तु और सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स के मामलों पर विचार विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए एक प्रमुख निकाय है। इसका संरचनात्मक स्वरूप क्या होता है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसमें होते हैं अध्यक्ष, जो इसके अध्यक्ष होंगे वो आमतौर पे भारत सरकार के, याद रखिएगा, भारत जो केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री होंगे वो इनके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होगा, भारत सरकार के वित्त मंत्री। सदस्य कौन कौन होंगे, तो सदस्य में सभी राज्यों के वित्त मंत्री, है ना, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। केंद्रीय शासन में क्या होता है कि चूंकि वहां तो राष्ट्रपति का शासन चलता है, हाँ, तो निर्मला, हाँ, राइट राइट, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। राज्य में चुनाव होते हैं, आप लोग समझते हैं, तो राज्य में क्या चीज का चुनाव होता है, तो हम MLA का चुनाव करते हैं, जिसको हम, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, राइट राइट राइट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधायक, है ना। तो हम जब विधायक का चुनाव करते हैं तो राज्य स्तर पर करते हैं, राज्य स्तर पर भी एक सरकार होती है ना। तो राज्य स्तर पर जो सरकार होगी उसके मुखिया कौन होंगे, उसके मुखिया होंगे मुख्यमंत्री, है ना। हर राज्य में अलग अलग विधानसभा का चुनाव होगा और उसका मुखिया होगा मुख्यमंत्री। वैसे संविधान की भाषा में मुख्यमंत्री भले ही मुखिया दिखे, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो राज्यपाल होता है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा भेजे गए रहते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। तो मैंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ही कहा था कि भारत में जो भारत का जो पूरा जो गणराज्य है, भारत जो है राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ पे राज्य जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकता है और केंद्र भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ये क्या है कि राज्यों का संघ है, ग्रुप्स ऑफ स्टेट है, ये सब का यूनियन, ये यूनियन ऑफ स्टेट है। तो क्या होगा कि हमारे यहाँ जब आप भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़िएगा, है ना, जब इतिहास में जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो वहां से इस चीज को लिया गया था, तो उसमें ये था कि राज्य की अलग विधायिका होगी और केंद्र की अलग विधायिका होगी। ओके, तो केंद्र में जो सबसे बड़ा पोजीशन होगा, यानी कि भारत की जो संसद होती है, वह संसद भारत के सबसे बड़ा पंचायत होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा पंचायत ये होता है जिसमें हम MP को चुनते हैं। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको अगर हिंदी में हम बोले तो सांसद को चुनते हैं। और जो एक बात और याद रखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, वोट देकर चुनते हैं, है ना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है उसके आधार पर हम चुनते हैं। जैसे आप 18 साल से ऊपर के हो गए, यानी कि 18 साल आपका उम्र हो गया,
तो आप क्या नाम है एमपी को या एमएलए को चुनते हैं, तो राज्य का अपना चुनाव होता है और केंद्र का अपना चुनाव होता है। केंद्र में जो सरकार होती है, एक क्या बार ये क्वेश्चन आपको फंसाता है, याद रखिएगा, बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो भैया भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कभी होता ही नहीं है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करते हैं, आप सांसद का चुनाव करते हैं, और उसमें अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाती है तो वह उस पूर्ण बहुमत में आए हुए लोग, मतलब जो जो पार्टी है, वह अपने में से किसी एक को मुखिया के रूप में चुनेगा, है ना। तो जिसको चुनेगा वह भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, है ना, जिसकी जिसको राष्ट्रपति अपॉइंटेड करेंगे, है ना। संसद का मतलब हमारे यहाँ तीन चीज है, इस चीज को समझ लीजिए। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद यूपीएससी में पूछा गया है, मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। संसद को लोग आम तौर पे लोकसभा समझते हैं, जबकि लोकसभा नहीं है ये, संसद प्लस राष्ट्रपति, तीन लोग मिलकर के संसद बनाते हैं। संसद की बात जब भी होगी तो संसद का मतलब होगा राष्ट्रपति, ओके, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निचला सदन, निचली सदन जिसको बोलते हैं हम, लोअर हाउस। लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आता है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता द्वारा चुन कर आते हैं। उच्च सदन में क्या होता है, पहले आप समझिए इस चीज को, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस जिसको बोलते हैं, तो अपर हाउस में क्या होता है कि जनता उसको नहीं चुनती है, उसको चुनती है कौन, तो पार्टी के द्वारा भेजाता राज्यसभा में, हाँ पार्टी तो अपने पार्टी के द्वारा एक सदस्य को भेजाता है केंद्र में। दूसरा क्या होता है, भारत सरकार के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि 12 लोगों को वह नॉमिनेट करे, लेकिन अब 2 लोगों को हटा दीजिए, वो इसलिए हटा दीजिए कि पहले एंग्लो इंडियंस को भी हम करते थे, जब अब एंग्लो इंडियंस अब चूंकि इंडिया में है नहीं तो एंग्लो इंडियंस को, हाँ विभिन्न, हाँ हाँ जी 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 हाँ हाँ तो उसमें उसमें तो आप उसको संविधान की भाषा में समझिए कि विशिष्ट माने क्षेत्रों में जिनका उत्कर्ष या उत्कृष्ट योगदान है, उन योगदान वाले देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में भेजा जाता है। जैसे खेल से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, पत्रकारिता से संबंधित हो, या समाज सेवा से संबंधित हो, जो विभिन्न 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 सेवाओं, उसके लिए तो अब लोअर हाउस तो आपके लिए है ना, लोअर हाउस तो आपके लिए है ही, अपर हाउस में जानबूझ करके हम पढ़े लिखे लोगों को भेजते हैं। वो इसलिए भेजते हैं कि पहले समझिए चीजों को, कि कोई जैसे मान लीजिए धन विधेयक को छोड़ करके बाकी जितना भी विधेयक है, तो उसको लोकसभा में जब वो पारित हो जाएगा तो पारित होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में, ओके। राज्यसभा अगर उसको पारित नहीं करती है ना, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, उस बिल को पुनर्विचार के लिए रखा जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसके बाद मान लीजिए लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो वो हाँ फिर वो क्या किया जाएगा, नहीं नहीं राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो तब तक वो क्या है, बिल है, कानून नहीं है, बिल है, याद रखिए वो बिल है। सरकार राष्ट्रपति चाहे तो उसको उस पर मोहर लगा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो नहीं भी मोहर लगा सकते हैं, या राष्ट्रपति चाहे, जब राष्ट्रपति का अधिकार हम आपको पढ़ाएंगे तो उनमें विधायी, हाँ हाँ नहीं राज्यसभा रखती नहीं है,
हाँ, धन विधेयक नहीं होगा, धन विधेयक लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किए, हाँ राज्यसभा में नहीं। हाँ जी जी हाँ राइट, हाँ राइट, हाँ वो वहां पे अगर वो पास नहीं होता है तो वो उसको कहेगा लोकसभा में कि इसमें ये जो क्लॉज है उस क्लॉज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। नहीं पहले समझिए, जैसे समितियों की जो आप बात कर रहे हैं ना, संसदीय समिति, लोक लेखा प्रारूप समिति, ये तो जब बिल पास किया जाता है तो उसी वक्त उस समिति के द्वारा उस पर विचार विमर्श हो दिया जाता है ना, कि इसमें क्या क्या लीगल पॉइंट है। अगर मान लीजिए क्या लगेगा कि नहीं ये लीगल पॉइंट गलत है तो उसको उसी वक्त मॉडिफाई कर दिया जाएगा, और तब यह पास अगर संसद, मतलब अगर मान लीजिए विशेष बहुमत की जहां दरकार होगी वो विशेष बहुमत से, जहां पे साधारण बहुमत की माने जरूरत होगी वो साधारण बहुमत से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब वो क्या होगा कि उसके बाद ये राज्यसभा के पास जाएगी, राज्यसभा में भी उस बिल पर, बिल कानून नहीं, याद रखिए जब तक राष्ट्रपति उसको मतलब मुहर नहीं मारेंगे तब तक वो केवल बिल है, तो उस बिल पर परिचर्चा करेगी यानी कि संवाद करेगी। उसके बाद मान लीजिए कि अगर वो वहां से भी पास हो जाएगा तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब हम आपको राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे हम राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में, तो उसमें राष्ट्रपति को एक अधिकार यह भी है कि वह 14 दिनों तक उसको अपने पास रख करके चाहे, हाँ मैं आऊंगा उस शक्ति पे भी, उस पर भी आऊंगा, तो पहले आप समझ लीजिए, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो उसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति उस बिल को लोकसभा में पुनः भेज देगी कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, है ना। अगर पुनर्विचार करने के बाद भी राष्ट्रपति के पास चला जाएगा तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है ना, जिसमें एक होता है पॉकेट वीटो, है ना, हाँ, कि राष्ट्रपति से आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि हजूर आपने हमको क्या नाम है, हम जो दिए थे वापस क्यों नहीं किए, हमको कोई जवाब नहीं देंगे वो, मतलब वो कानून बनेगा ही नहीं, समझ गए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को वीटो 3 प्रकार की वीटो शक्ति है, जिसमें एक शक्ति होती है पॉकेट वीटो। मैंने पॉकेट वीटो का नाम क्यों लिया, पॉकेट वीटो का नाम इसलिए लिया कि मैं सपोज कीजिए कि ये राष्ट्रपति है, ये राज्यसभा और लोकसभा से दोनों बिल पास और किनके पास आ गया, अब इनके पास आ गया तो ये चाहेंगे तो उस बिल को अपने पॉकेट में रख लेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। जो हमारे संविधान की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत आप उससे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं कि सरकार आपने भेजा क्यों नहीं, है ना। अगर क्यों अगर आप भेज रहे हैं तो आपको भेजना चाहिए ना, कि अगर हम इस पर आप मोहर लगाते तो ये होता। जैसे आप नाम सुने होंगे ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुने होंगे, तो ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर विधेयक पर कोई स्वीकृति ही प्रदान नहीं किए थे और उसको पॉकेट में रख लिए थे, है ना, तो वहां पे पॉकेट भी तो यूज हुआ है। अभी चूंकि मैं राष्ट्रपति पढ़ा नहीं रहा हूँ, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है, ये तीनों बीटो क्या होते हैं, तीनों बीटो में आप कैसे कैसे मतलब कहाँ कहाँ उपयोग कर सकता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति से पूछने का अधिकार क्यों नहीं है ये भी आपको मालूम होगा, और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही क्यों पेश किया जाता है, राज्यसभा में क्यों नहीं पेश किया जाता है, यह भी आपको समझना होगा। तो ये मैं ये होता है कि देखिए धन विधेयक जो होता है किसी कार्य के लिए होता, चूंकि हमारे यहाँ जो कंडीशन है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है सरकार के मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी मुखिया है वो, जो सबसे बड़ा मुखिया है वो राष्ट्रपति है, तो आप मुखिया से सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, है ना, हाँ, इसीलिए हम क्या नाम है, हम उनसे
मैंने जैसे मान लीजिए राज्य में भी कोई कानून बन रहा है, तो राज्य में जब राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल क्या करेगा, उस विषय को या तो अपने स्वीकृति दे देगा, अगर नहीं देगा तो उस कंडीशन में वो उसको अपने पास रखेगा या फिर वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है उस चीज को, है ना। तो एक लंबा जब मैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल वाला जो टॉपिक पे आऊंगा तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी आपको पूरा मतलब कंसेप्ट के साथ मैं आपको राष्ट्रपति का अधिकार क्या है, राज्यपाल का अधिकार क्या है, मुख्यमंत्री का अधिकार क्या है, प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है, लोकसभा क्या काम है, राज्यसभा क्या काम है, ये सब बताऊंगा। आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको लोअर हाउस क्यों कहा जाता है, तो लोअर हाउस कहने के पीछे कारण है क्योंकि वह जनता के द्वारा चुन कर आता है और भारत में अभी तक ऐसा देखा गया है, ये बार बार डिबेट होता है। बहुत बार आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि वरुण गांधी नामक एक जो एमपी हैं, है ना, जो संजय गांधी के पुत्र थे, संजय गांधी के पुत्र हैं, क्योंकि वो जिंदा ही हैं तो पुत्र हैं, और क्या नाम मेनका गांधी के वो पुत्र हैं वरुण गांधी जी, तो वरुण गांधी जी बार बार इस चीज को कहते हैं कि राइट टू रिकॉल का भारत में प्रावधान होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर राइट टू रिकॉल क्या हो गया, अब जीएसटी पर आ रहे थे, अब राइट टू रिकॉल पॉलिटिकल साइंस में आ गए, तो राइट टू रिकॉल का अर्थ ये हुआ कि होता क्या है कि हम जिनको चुनते हैं एज ए एमपी, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा, है ना, तो जब हम उनको चुन करके जब संसद के लिए भेज देते हैं तो चुनते वक्त तो बड़ा आपके सामने विनम्र रहता है, लेकिन जैसे ही चुन के चला जाता है उसके बाद जनता से वो मिलना पसंद नहीं करता है, है ना, जनता के लिए काम करना पसंद नहीं करते, वो वीवीआईपी अपने आप को कहलाते हैं, है ना, माननीय बन जाते हैं, है ना, जबकि होना ये चाहिए कि जब हम चुनते हैं सरकार में किसी को तो चुनने के क्रम में हमको ये अधिकार होना चाहिए ना कि हम जनप्रतिनिधि से अपना सवाल पूछ सके, हम क्यों उनको भेजते हैं, उनका नाम जनप्रतिनिधि क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्ट शासन नहीं कर सकते हैं, तो आपने एक प्रतिनिधि के माध्यम से अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजे कहां, संसद में, कि जाइए आप वहां पे हमारी आवाज उठाइए, हमारी समस्याओं के लिए जो समाधान का उपाय हो सकता है उस पर आप चर्चा कीजिए। यही हाल राज्य में होता है जब हम विधायक को चुनते हैं, विधायक को चुन करके हम जब विधानसभा भेजते हैं, है ना, तो जब ये लोग माननीय बन जाते हैं तो अपने आप को वीवीआईपी जोन में रखना पसंद करने लगते हैं और उनको लगता है कि सरकार जब तक रहेगी तब तक तो हमको जनता कुछ कर नहीं सकती है, है ना, तो एक डिक्टेटरशिप वाली यानी कि तानाशाही प्रवृत्ति वाली एक मानसिकता उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, और उस कंडीशन में क्या होता है, कोई जनता के, जबकि वो नियम के तहत जनता के प्रति उत्तरदायी है। अब आप पूछेंगे कि लोअर हाउस कहने के पीछे दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि बार बार ये, हाँ, राइट टू रिकॉल को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, तो वरुण गांधी ने ये कहा कि भाई हमें ये अधिकार होना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं अगर वो हमारा हमारे हमारा मुद्दा हमारे जो हमारे हमारे राज्य का या हमारे जिला का जो मुद्दा है अगर वो नहीं उठा रहा है, वो समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, तो उनको वापस बुलाने का अधिकार हमको मिलना चाहिए, है ना, यही है राइट टू रिकॉल, है ना, कि आपको हमने भेजा लेकिन आप वो आ गए और सरकार का पपेट बन के रह गए, कठपुतली बन के रह गए, है ना, और आप सरकार जो बोल ले उसी की तरह पपेट के भाषा में बात कर रहे, पपेट समझते हैं ना, कठपुतली, कठपुतली बन गए, सरकार पर नाच रहे हैं एकदम, जनता के प्रति आप उत्तरदायी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको लगता है कि सरकार जब तक चलेगी तब तक तो हम है, है ना, जब तक कि सरकार नहीं गिरती है अथवा अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। आम तौर पर यह माना जाता है कि एमपी और एमएलए का जो चुनाव होता है वो दोनों में 5 साल के लिए सरकार हम चुनते हैं, केंद्र के लेवल पे भी और राज्य के लेवल पे भी, जब तक अगर बीच में सरकार अगर भंग हो जाती है किसी कारणवश, जैसे कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अचानक से नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ आ गए और अपनी सरकार का गठन कर लिए। सरकार के गठन जैसे ही हुआ तो आरजेडी के कुछ लोग जो हैं उसमें मंत्री बनाए गए, जदयू के लोग भी मंत्री बनाए गए, फिर नीतीश कुमार जी का मन अचानक से चेंज हो गया। अब क्या चेंज हुआ उस पॉलिटिकल बात पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा काम पॉलिटिकल टिप्पणी करना नहीं है, हमारा काम यह है
अचानक से उनका मन भरा और फिर वो क्या किए, तुरंत आ गए बीजेपी में और बीजेपी के साथ सरकार बन गए, में चले आए। तब हुआ क्या कि जितने भी माननीय लोग थे अब वो सामान्य हो गए। जो मान लीजिए आरजेडी के समय में मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री थे, कोई क्या नाम है ये स्वास्थ्य मंत्री थे, कोई वित्त मंत्री थे, तो अभी तक तो आप माननीय थे, जैसे ही सरकार बदली अब तो आप सामान्य हो गए। तो माननीय, अब कभी कभी सुनते होगा क्या कि पॉलिटिक, मैंने बार बार मैंने ये आप अखबारों में या न्यूज चैनल में सुनते होगा क्या कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये जो ऑफिसर्स जो चुन के आते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, है ना। हाँ, ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप के ऑफिसर्स हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, है ना, ये आरोप लगाते हैं। हालांकि ऐसा संभव होता नहीं, आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं वो काम करते हैं और इसी तरह चलता है, क्योंकि भारत में सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग। हाँ तो ये कंडीशन होता है। तो अब क्या कंडीशन होगा, तो उसमें कुछ लोग मजाक में बोलते हैं, इसको मजाक ही समझिएगा, इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा, कि वहां पे लोग वहां मजाक में बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि आप 5 साल के लिए चुन के आए हैं और हम 60 साल के लिए चुन के आए हैं, आप इलेक्टेड हैं, हम सेलेक्टेड हैं, तो सेलेक्टेड है तो हम परमानेंट सरकार हैं। बिहार में जदयू की सरकार हो या फिर क्या नाम है बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, ऑफिसर तो नहीं ना बदलेगा, बहुत होगा। तो ये होगा कि मान लीजिए जदयू में जो कोई प्रिय अधिकारी था अचानक से आरजेडी की सरकार बन गई, तो इस अधिकारी को कोई ऐसा पोस्टिंग पर भेज दिया जाएगा जहां पे उसको संटिंग पोस्टिंग कहते हैं, जहां पे अपने अधिकार का बहुत कम उपयोग कर पाते हैं, है ना, माने वो एक्टिव नहीं रह पाएंगे और किसी अपने चहेते अधिकारी को बना देंगे। आपने एक जब आप, चूंकि मैं पढ़ा रहा था आपको करंट अफेयर, लेकिन चूंकि बात चली तो थोड़ा मैं दो बातों से और आगे फिर आऊंगा इस करंट अफेयर पे। आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा टी एन शेषन का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? टी एन शेषन इस देश में भारत जो निर्वाचन आयोग जो है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे, है ना, और एक है अशोक खेमका। तो अशोक खेमका हमको हम बाद में जाएंगे, पहले हम आएंगे टी एन शेषन पर। टी एन शेषन से पहले क्या होता था कि भारत में जब इलेक्शन होते थे तो खास करके हिंदी पट्टी, जहां पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी पट्टी राज्यों में क्या होता था कि सर वहां के मुख्यमंत्री लोग बड़ा घमंड में कहते थे कि अरे मीडिया क्या दिखाती है, सरकार तो हमारी ही बनेगी, है ना। बहुत बार ये कहा जाता था क्या कि अरे मीडिया कुछ भी दिखाए, क्या नाम है, बैलेट से जो है जिन निकलेगा, है ना, और हमारी सरकार बन जाएगी। तो टीएन सेशन जब चुनाव आयुक्त बने तो एक आर्टिकल आया था, उसमें आया था एक ऐसा चुनाव आयुक्त जो नाश्ता में नेताओं को खाते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका समझिए, आमतौर पे जब आचार, जब चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू होती है, और आचार संहिता लागू होने के बाद मतलब 3 महीना पहले लग जाती है आचार संहिता। उसमें यह होता है कि जब आप चुनाव प्रचार करने के दौरान जाएंगे, विभिन्न सभा और रैली करेंगे, उसमें आप किसी भी तरह का धार्मिक, जातीय, नस्लीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, इन किसी भी आधार पर किसी को कमेंट नहीं करेंगे। प्रचार के दौरान इन पर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपका जो उम्मीदवारी है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता है कि आप देखते होइएगा जब इलेक्शन होता है, तो क्योंकि सभी लोग आप लोग क्या नाम है इलेक्शन मैंने वोट देते ही होंगे, मत अपना देते ही होंगे, तो उसमें क्या होता था कि ये जो विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जनप्रतिनिधि होते थे वो जानबूझ करके मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते हैं या लैंगिक प्रतीकों का सहारा लेते हैं या फिर क्या नाम भाषाई प्रतीकों का सहारा लेते हैं।
जैसे अगर महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो महाराष्ट्र में क्या होता है, स्थानीय मुद्दा हावी हो जाएगा। यूपी बिहार में चुनाव होगा तो क्या होगा, हिंदू मुस्लिम चालू हो जाएगा, है ना। तो जब आप टिप्पणी करते हैं, जबकि आप तो जनप्रतिनिधि बन के जा रहे हैं, जिस जगह से आप चुन के जा रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही धर्म के लोग रहते होंगे या विभिन्न धर्मों के लोग रहते होंगे। अगर आप एमपी बन के जा रहे हैं तो जो आपका लोकसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग होंगे, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लैंगिक के आधार पर उनका विभाजन होगा। तो आप तो सबके प्रतिनिधि बन के चुन के जा रहे हैं, लेकिन आप मत लेने के लिए जानबूझकर इसका सहारा लेते हैं और आपको लगता है कि चुनाव आयुक्त कुछ कर नहीं पाएगा। तो चुनाव आयुक्त के पास इतना पावर था कि आपकी अभ्यर्थता ही हम आपको समाप्त कर देंगे, मैंने आप इलेक्शन में आपको शामिल ही नहीं करेंगे कि आप इलेक्शन में आपको कोई वोट दे। तो जब टीएन सेशन इस देश में जब चुनाव आयुक्त बने, मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उनके समय पहली बार लोगों को लगा कि मत होता क्या है, मत का मतलब क्या होता है। नहीं तो होता क्या था कि जैसे हिंदी भाषी बेल्टों में, हिंदी भाषी जो राज्य होते हैं, जिसमें मान ली यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश ये सब जो एरिया है, वहां पे बहुत सारे समाज के जो वंचित तबके के लोग होते थे उनको वोट ही नहीं देने दिया जाता था, उनके नाम पर बोगस वोट गिरते थे। कई बार तो ये होता था कि मतपेटी ही बदल दी जाती थी, बूथ से ले लिया गया, बूथ के चार गो लोग बंदूक लेके चले गए, जो वहां पे मतदान करवा रहे हैं उनको अरेस्ट कर लिया, बंदी बना लिया हुआ थोड़ा देर के लिए, और सारा वोट मार करके ऐसे होता था। तो पहली बार टीएन सेशन ने बताया कि नहीं, चुनाव आयुक्त का काम क्या है आप समझिए पहले। चुनाव आयुक्त का काम है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना। और उस वक्त इसीलिए एक आर्टिकल आया था, एक ऐसा चुनाव आयुक्त जो नाश्ता में नेताओं को खाते हैं, कि अगर आप अलवल बोले, कुछ गलत बोले, तो आपकी अभ्यर्थता हम यहीं समाप्त कर देंगे। समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब मैं दूसरा कहा था अशोक खेमका का आप नाम सुने होंगे, हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, है ना। हाँ, तो उनका ऐसा माना जाता है कि 28 साल में 54 बार ट्रांसफर हुआ। क्यों हुआ 54 बार, मैंने बड़ा अजूबा लगता है। हाँ, मतलब उनको, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उस डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा उसका खोल के रख देते हैं। अब कोई भी सरकार चाहती नहीं है कि भाई जब, और देखिए आप एकदम इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप ईमानदार ऑफिसर हैं तो हम जब यूपीएससी जब आपका चुनाव करती है वो यह सोचकर चुनाव करती है कि आप एक ईमानदार ऑफिसर बनकर जाएंगे और एक ईमानदार ऑफिसर बनकर के आप राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। और आप जब लवासना से आते हैं, जब आपको भोज दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, जब राष्ट्रपति भवन में जब आप संबोधित करते हैं लोगों को, तो उस वक्त आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप पहला शपथ यह भी लेते हैं कि आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा पूजा खेरकर नाम की एक लड़की, उसका इतिहास तो जाना ही होगा क्या हुआ, गलत तरीके से आईएएस बनी थी। खैर, बहुत सारे आईएएस का नाम, अधिकारी का नाम सुने होंगे जो जैसे ही पोस्टिंग हुआ करोड़ों अरबों रुपया घोटाला कर लिया, है ना। तो लेकिन सरकार आपको चुनती है ईमानदार ऑफिसर्स के रूप में, इसीलिए आपको जीएस पेपर 4th में क्या होता है, एथिक्स की पढ़ाई होती है कि कम से कम आप एथिक्स को समझे, हाँ मॉरल वैल्यूज को पढ़िए। लेकिन आप करते हैं उल्टा, आप चले जाते हैं और अंत में काम नहीं करते हैं, है ना। तो नहीं, लेकिन आप, हाँ जी 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 जी, नहीं तो आपका काम है, आप मान ली दूसरे को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप बतौर ऑफिसर, आप तो अपने आसपास में, मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था तो मैंने कहा कि देखिए मैं पूरे सिस्टम को अचानक से नहीं बदल दूंगा, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां हम कार्य कर रहे हैं वहां कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे।
नहीं वो निकाला नहीं गया, मेरा इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन नहीं हुआ। निकाला क्यों गया? नहीं, इंटरव्यू तो नंबर मिले, लेकिन मतलब मेरा आईएएस में सिलेक्शन आए। हाँ, तो मैं जब कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको वो समझिए कि आप वहाँ जो आपका आंसर ये था कि हम पूरे देश को तो भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते एक दिन में, पूरे जिला में भी हम एक दिन में भ्रष्टाचार नहीं मिटा देंगे, लेकिन हम ये करेंगे कि जहाँ हम हैं यहाँ, यानी कि जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है, तो हम और हमारे बीच जितने भी सबॉर्डिनेट हमारे काम कर रहे हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो वहां पे हम ये निश्चित करेंगे कि शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित हो और शासन में भ्रष्टाचार नहीं हो। समझ गए? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ओके। नाइन थर्टी तक ही था। तो जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो जीएसटी परिषद का मुख्य कार्य है कि दरों को निर्धारित करना और दरों की संरचनाओं की सिफारिश करना। दूसरा क्या काम है? राजस्व आवंटन की समीक्षा करना, राजस्व का जो आवंटन होता है राज्य और उसके बीच में, उसका समीक्षा करना। मैं तो लाया था कि आपको पांच, मतलब कम से कम आज टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि आप लोग पूछे, कोई बात नहीं, हम फर्स्ट क्लास है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास से हम आप लोगों को आएंगे, और जितना आपके पास क्वेरी है, जितना क्वेरी है आपके पास, एकदम लिख के लाइए, पूरा क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। कर से संबंधित विवादों का समाधान करना, समझ गए? कर से संबंधित कोई विवाद होगा तो उसका समाधान करेगा जीएसटी काउंसिल। उसके बाद संविधान में संशोधन की सिफारिश करना है ना, कि कर से संबंधित जो होगा वो करना है। नियामक और कार्यान्वयन, नियामक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए कार्य करना। और ये देखिए, भारत में जीएसटी के संबंधित में आगे की राह, मैंने कहा था ना कि आगे की क्या राह होगा, सो तो इस कला, हाँ, आगे की राह क्या होगा, कि अगर इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते ताकि हम ये होगा। तो जीएसटी दरों में तर्कसंगत और संभावित संशोधन की जरूरत है। क्यों जरूरत है? तो क्या है कि हाल की बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन की चर्चा की गई है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर दरों में कमी और विलासिता की वस्तुओं में दरों की वृद्धि की गई है, जो कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था, आवश्यक वस्तु पर नहीं लगेगा, लेकिन जो विलासिता की वस्तु उस पर लगेगा। ये अभी वर्तमान परिदृश्य है। आगे की राह क्या हो सकता है? तो आगे की राह हो सकता है जीएसटी परिषद के संशोधन की प्रक्रिया को, हाँ, जो आपके इम्पोर्टेंट, हाँ, जो जो आपकी मूलभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा, विलासिता की जो चीजें होंगी उन पर लगेगा, है ना। तो ये तो जीएसटी परिषद का ये होगा कि कम से कम अपने प्रक्रिया को निरंतर निगरानी के में रखना होगा, और बाजार की स्थिति तथा उपभोक्ता के मांग के आधार पर समय समय पर समायोजन करना होगा। माने जीएसटी काउंसिल जो है वो हमेशा उसको रिवाइज करते रहेगी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसका, उस पर ध्यान देना है। हम आज लाए थे आप लोगों को पांच टॉपिक पढ़ाने के लिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रणाली में सुधार करना। वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो आईटीसी के नियमों में बदलाव के माध्यम से केवल उन वस्तुओं और सेवाओं पर क्रेडिट मिलेगा जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। इसमें आगे की राह क्या हो सकता है? तो आगे की राह हो सकती है जीएसटी परिषद को आईएसटी प्रणाली के कार्यान्वयन, आईटीसी प्रणाली की जो कार्यान्वयन प्रणाली है उसकी निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक और प्रक्रिया विकसित करनी होगी, उसका हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। और करों में जो चोरी होती है, लोग कर चोरी करते हैं, सुनते हैं ना कि 31 अगस्त से पहले क्या नाम है, लोगों को अपना जमा करना होता है, तो वो सीए को, चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करके टैक्स चोरी करने का काम करता है। तो टैक्स चोरी ना करे, इस पर भी उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को हमको अपनाना पड़ेगा। उसके बाद उन्नत और नई तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल सुधार की ओर बढ़ना पड़ेगा, हमको ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान परिदृश्य क्या है? तो केंद्र सरकार द्वारा उन्नत एवं नई तकनीकों और डेटा एनालिसिस का उपयोग कर अनुपालन को सरल बनाने की योजना है। लेकिन आगे क्या हो सकता है? तो आगे की राह ये हो सकता है कि जीएसटी परिषद को जीएसटी प्लेटफॉर्म और तकनीकी सुधारों को तेजी से अपनाने और अपडेट रखने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का विकास और स्थिरता सुनिश्चित करना होगा। इस क्लास के बाद, हाँ, आइए,
इस क्लास के जस्ट बाद मैं इसका पूरा लिंक जो है पीडीएफ जो है इस लिंक पीडीएफ इसके साथ मैंने इस क्लास का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको इसके लिंक के साथ। आप लिंक पे जाएंगे वहां पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ हार्ड मतलब आप पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और बाकी जो है हमारी जो मैगजीन आएगी जो हर महीना आती है ना मैगजीन, उस मैगजीन में भी ये सब ये रहेगा। उसके बाद क्या है, राजस्व सृजन और कर से संबंधित विवादों का समाधान करना, जो मैंने बताया था कि कैसे कैसे टैक्सेशन हम लेंगे और क्या नाम है उसमें हम कैसे बांटेंगे, इसका विवाद करने का, इस विवाद का समाधान करने का काम किसका है, तो जीएसटी काउंसिल का है ना। आगे की राह क्या हो सकती है, तो जीएसटी परिषद को विवाद समाधान के लिए सुलभ और प्रभावी तंत्रों की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा यह आवश्यक है कि यह परिषद राजस्व सृजन के लिए नीतियों को समय पर संशोधित करे ताकि कर अनुकूलन को बढ़ावा मिले और व्यापारिक वातावरण को सुलभ बनाया जा सके, है ना। ये आपके मेंस के लिए क्वेश्चन होगा। उसके बाद राज्य और केंद्रों के बीच समन्वय स्थापित करना, मैंने बताया था कि राज्य और केंद्र के बीच में तानाशाही नहीं चल सकता है, न राज्य तानाशाही कर सकता है न केंद्र तानाशाही कर सकता है। तो वर्तमान परिदृश्य क्या है, तो जीएसटी प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। आगे की राह क्या हो सकती है, तो जीएसटी परिषद को राज्यों के साथ बेहतर संवाद और समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम करना होगा। इससे राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है उसको सशक्त किया जा सकता है और व्यवस्था में समानता इक्वलिटी जिसको बोलते हैं और न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और ये निष्कर्ष आप देख रहे हैं। और ये लिया क्या से गया था ये भी जान लीजिए, ये लिया गया था पीआईबी और द हिंदू को। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं करंट अफेयर के क्लास में आपको एक भी अखबार नहीं पढ़ने की जरूरत है, वो हम लोगों का काम है कि आपको विभिन्न ऑफिशियल वेबसाइट से ला करके, क्योंकि जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी की उसके साथ ये समस्या होती है कि अखबार तो पढ़ते हैं लेकिन अखबार में उसको यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें क्या इम्पोर्टेंट है वो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, है ना। वो पीआईबी का मान लीजिए उसको आप डाटा दे दीजिएगा लेकिन पीआईबी के डाटा का उपयोग कैसे करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप उसको लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो निष्कर्ष यहाँ बता दें, जीएसटी परिषद जो आगामी योजना भारत की कराधान प्रणाली को सुधारने एवं सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में केंद्र सरकार को कर की दरों में तर्कसंगतता यानी कि वहां पे नेगोशिएशन की बात होनी चाहिए। आईटीसी प्रणाली में सुधार, तकनीकी और डिजिटल सुधार पर कर से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवाद का समाधान करते हुए केंद्र राज्य समन्वय जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर जीएसटी परिषद को एक समग्र और प्रभावी कर प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इन सुधारों के सफल कार्यान्वयन से भारत में न केवल कराधान की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी बल्कि इक्वलिटी भी आएगा और जस्टिफाई उसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में भी योगदान होगा। अब आइए इसके, हाँ दो मिनट उसके बाद आप हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, हाँ तो ये आप समझ लेंगे और ये प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। ये और ये मुख्य परीक्षा से क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि आप जो आर्टिकल लिखे हैं उसी आर्टिकल से ये क्वेश्चन है, जो कि कितना शब्द में आपको लिखना है ये भी मैं बता देता हूँ कितना शब्द में लिखना है यूपीएससी में और अंक क्या होगा। सो पिछले 100 वर्षों में जीएसटी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हुए, 6 वर्ष हो चुका है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था ये, हाँ पिछले 6 वर्षों में 6 ईयर हो चुके हैं, तो पिछले 6 वर्षों में जीएसटी के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हुए चर्चा कीजिए कि भारत में जीएसटी परिषद जीएसटी कार्यान्वयन को और अधिक सुचारू और परेशानी मुक्त यानी कि बाधा मुक्त बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है। जीएसटी काउंसिल के बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था, जिसको आपको लिखना है 250 शब्द में ही लिखना है। यूपीएससी की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है मुख्य परीक्षा में
कि आपको शब्द सीमा का पालन करना होता है, 20 क्वेश्चन का जवाब देने होते हैं। अगर आप 9 मिनट से अधिक जिस क्वेश्चन में अधिक समय दे दिए, आपका दूसरा क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा, है ना। इसीलिए आपको इसीलिए हम लोग प्री और में, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये 250 शब्द में लिखना है और इसका अंक होगा 15। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इस क्लास के बाद। आप इसका लिंक जो है, इस लिंक में पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग पूछिए। ओके, ठीक है। तो फिर आप लोग जाइए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, चलिए।